चालली हवा के झोंका सपना बिखर गई। ये अपने लिए दर्द में गा रहे थे या फिर ये गाना तुमको पसंद? नहीं नहीं, लड़की धोखा दे दी। आगे नहीं पता था कि आगे चल के क्या क्या करना पड़ता है। जान गई नी हो जान, जान गई नी जान। उसे बदला लेने के लिए अब झूठे रस्से में घुस रहा है। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से? उससे मुझको कोई नहीं फर्क पड़ता, अगर मैं आगे निकल जाता हूँ तो वह पछताएगी। जान गई नी हो जान, जान गई नी जान। जान गई नी हो जान, जान गई नी जान। प्यार नहीं खेली खल हो, प्यार नहीं खेली खल। हाथ के लकीर में नहीं खू तकदीर में ये जान। प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खू तकदीर में ये जान। सबसे अपना परिचय बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गुंजन सिंह टू हुआ। अच्छा। और मेरा घर मुगलपुरा हुआ, बख्तियारपुर के पास। अच्छा, अभी जो गाना गा रहे थे कि जान गई नहीं ये जान, ये अपने लिए दर्द में गा रहे थे या फिर ये गाना तुमको पसंद? नहीं नहीं, लड़की धोखा दे दी। अच्छा, लड़की धोखा दे दी इसलिए गाना गाते हो? तो खेसारी लाल जी का ये गाना है, खेसारी लाल जी का फैन हो इसलिए गा रहे हो फिर अपनी लड़की धोखा दे दी इसलिए? नहीं नहीं, उनका बहुत बड़ा फैन हूं और लड़की भी धोखा दे दी है। मतलब दोनों एक साथ? मतलब खेसारी लाल जी का तगड़ा वाला फैन हो, उनका गाना सुनते हो, उनका सबसे अच्छा तुम्हें बदला लेने के लिए अब झूठे रस्से में घुस रहा है। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से? तो काहे धोखा दे दी? मतलब धोखा दे दी है ना? पता नहीं, सवेरे तक ठीक से बात हुआ था, सामने का बोल दिया हम बात नहीं करेंगे। अचानक से तो उसी के सदमे में हो? अच्छा, तो खेसारी लाल यादव जी का गाना अच्छा लगता है, एक्टिंग अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कि उनको उनका गाना ज्यादा पसंद करते हैं? वो सब चीज में, डांस भी, कॉमेडी भी, उसमें फिर मतलब डायलॉग भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनका सब चीज तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा, गाना गाने का शौक कब हुआ? मन में कब बना कि हमको गाना गाना? नहीं, हमको बचपन से शौक था। अच्छा, लेकिन इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं था, तो राहुल भैया मिले तुमको सब बताया कि ऐसा होता है। मतलब कि बचपन से था लगाव संगीत से? हाँ। लेकिन इसके बारे में जानकारी? गाया था, लगता है क्लास 2 या 3 में पिंटू सर के पास जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, वहाँ पे गाया था तो मुखिया जी के हाथ से हमको पुरस्कार भी मिला था। अच्छा अच्छा, मतलब बचपन से रुझान रहा है तो बचपन से संग... लेकिन हमको आगे नहीं पता था कि आगे चल के क्या क्या करना पड़ता है गाना गाने के लिए। अच्छा, तो बचपन से रुझान था तो फिर संगीत के बारे में नॉलेज नहीं था कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कहाँ होता है, इसलिए इस फील्ड में? तो इससे पहले क्या करते थे? वही स्टडी, पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई करते थे। तो मतलब पढ़ाई करते करते लड़की धोखा दे दी तो फिर गाना बजाना फिर स्टार्ट हो गया? मतलब दर्द से जोड़ दिया, दर्द जोड़ दिया संगीत से। अच्छा, खेसारी लाल यादव का कौन सा गाना और अच्छा लगता है तुम्हें? इतना सारा गाना आ रहा है उनका गाना, फिल्म, कोई अच्छा लगता है? एक और उनका सैड सॉन्ग था। फुलावा सुखल बा पतझड़ी में बगिया उजड़ गइल, चालली हवा के झोंका सपना बिखर गइल। चालली हवा के झोंका सपना बिखर गइल। क्या बात है। अच्छा गुंजन, ये तुम्हारा इंटरव्यू हो सकता है कि तुमको जो धोखा दी है वो देख रही होगी या देखेगी, तो क्या बोलना चाहोगे? अगर मान लो कभी ये वीडियो उसके मोबाइल में टाइमलाइन पे आ गया, अचानक से तुम्हारा फोटो देख के पहचान ही लेगी क्योंकि तुमसे प्यार करती होगी, कभी तो पहचान लेगी, तो हो सकता है तुम्हारा वीडियो देखे, तो क्या कहना चाहोगे कि अगर वो देखे तो क्या कहना चाहोगे? तो उससे मुझको कोई नहीं फर्क पड़ता, अगर मैं आगे निकल जाता हूँ तो वो पछताएगी। मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो वो सॉरी बोल के आ जाता? नहीं नहीं, अपनाओगे? नहीं, मतलब आगे बढ़ गए वो सब छोड़ के, मतलब गीत संगीत में अपने आप को समर्पित कर लिए। तो अपने आप को भोजपुरी में कहाँ देख रहे हो? अपने आप में भोजपुरी में कहाँ तक जाना चाहते हो, कितना मुकाम जाना चाहते हो? अब देखिए, पहले का प्यार मिले तो आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, आज कौन सा गाना? हार तो नहीं मानेंगे। मतलब संगीत में ही अपने आप को अब एस्टेब्लिश करना है, इसी में फिक्स करना अपने आप को।